Hi guys, this is Abhimanyu and in this video we are going to discuss about software engineer and network engineer. जो आपने कहीं और पहले वीडियो देखी होंगी या फिर किसी से सुना होगा तो I'm not sure about it. और यहाँ पे मैं कोई comparison नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं आपको reality जो रहती है और किस तरीके की reality रहती है between both job profiles की software engineer और network engineer, तो इसमें मैं आपको जो रियलिटी है वो बताऊंगा, ठीक है. तो अगर आपको आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो पूरी देखने के बाद आपको कुछ आइडिया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस रहता है और किस तरीके से लाइफ ग्रोथ होती है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो मैं इसमें आपको बताऊँगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से. देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको, मैं कोई यहाँ पे कैटेगरीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉलो में बताऊँगा कि ये चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोडिंग आनी चाहिए. आपको जो लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली जो हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जैसे बीटेक हो गई या फिर कोई भी हम कोर्स करते हैं उसमें, तो वहाँ पे हमारी कोडिंग की जो लैंग्वेज रहती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा और बहुत सारी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे पता है एज़ पर द इंडस्ट्री. तो उस तरीके की वहाँ पे जो कोडिंग लैंग्वेज रहती है उनका वहाँ पे काम होता है. अगर उनका किसी में इंटरेस्ट है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हैं. अब सेम सिनेरियो पे मैं बताता हूँ नेटवर्क वाली चीज़ में, कि नेटवर्क के अंदर इस तरह की कोई कोडिंग नहीं होती है. जब आप सीनियर लेवल पे या L3 या एक अच्छी पोस्ट पे आप पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको ये ऑटोमेशन वगैरह के बारे में सोचना पड़ता है या कोडिंग, मतलब उस लेवल की कोडिंग फिर भी नहीं रहती है. तो वो मेजर लोग वही मूव करते हैं नेटवर्क के अंदर, जो कोडिंग जिनको पसंद नहीं होती है और वो जो कोडिंग वगैरह पे काम नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग नेटवर्क में जाते हैं. और उसका एक यही एक मेजर डिफरेंस रहता है. फिर उसके बाद आती है कि भाई ग्रोथ है कंपनीज में, क्या है क्या नहीं है. आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर कोई अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहता है, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, छोटे बड़े सब ऑर्गेनाइजेशन में इनकी ज़रूरत है और इनको अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. और जो आजकल नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जो क्लाउड सॉल्यूशंस पे काम करते हैं और उनमें जो सर्विसेज हैं, डेवऑप्स एक लगा सकते हो आप या फिर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जब कोडिंग की बात आती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा वहाँ पे आगे रहते हैं और उनको बहुत अच्छा पे मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क इंजीनियर. मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट की बात है और एक इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसकी बात है. फिर दूसरी साइड आते हैं नेटवर्क वाले. तो आजकल जो चल रहा है कि वो अच्छी कंपनीज़ के अंदर ही नेटवर्क का बहुत ज़्यादा सेटअप है, छोटे लेवल पर नहीं है और ना ही मिड लेवल पर. वो बस एक सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल लगवा लेते हैं और बाकी स्विचेस पर चलता रहता है, दैट्स इट. लेकिन जो अच्छी MNCs हैं जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्किंग है, वो लोग आज भी फॉलो करते हैं, वहाँ पे ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है. और वो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से आपको, आपके लिंक हो तो अच्छी बात है और बहुत आपका मतलब वेट भी कई बार करना पड़ जाता है आपको अच्छी जगह सेलेक्ट होने के लिए. तो पेमेंट तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही अच्छी रहती है और उनको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि जो आज से 3 साल पहले 10,000 पे उन्होंने स्टार्ट किया था, आज वो 15 लाख और 70 लाख या 20 लाख के पैकेज जो हैं लेके बैठे हुए हैं विद इन 3 ईयर्स. जैसे सेल्स फोर्स है या फिर जो भी मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है उसमें वो लोग अपने डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो वो आजकल उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो उसी तरीके से ये एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर, कि बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर कोई आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट सेलर है या जिसको भी मार्केट में रहना, हर किसी को अपनी वेबसाइट, और इनको ऑफलाइन काम भी बहुत मिलते हैं छोटे छोटे वेंडर से जो इनसे काम कराते रहते हैं. तो अगर आप कोडिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हैं, बिल्कुल आपका करियर जो है ब्राइट होगा. बस वो डिपेंड आपको करना है कि वहाँ पे आप क्या चूज़ करते हैं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है. लेकिन अगर आप कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है देन आप नेटवर्क में आ सकते हैं. और यहाँ पे प्रोसेस एज पर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतनी नहीं है और
काम तो दोनों में डेडलाइन कहीं पे भी होती है, तो अपन को एक्स्ट्रा हावर सब कुछ करना पड़ता है, और दैट्स इट। ये एक मेजर था मतलब इसमें। और हाँ, दूसरी चीज जो एक रेपुटेशन और एक जो कंपनी के अंदर जो एक वैल्यूज एडिशंस होती हैं और जो वैल्यू मिलती हैं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ही मिलती है, नेटवर्क इंजीनियर को नहीं मिलती है एज कंपेयर टू पॉलिसीज। बिकॉज नेटवर्क इंजीनियर तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आ जाता है, आईटी के अंदर आ जाता है, तो दे आर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो दे आर द एक्चुअल एम्प्लॉय, जिनके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, नेटवर्क इंजीनियर बैठा हुआ है, तो दे आर मोर वैल्यूएबल। उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नेटवर्क इंजीनियर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इससे आप कहीं पे भी कोई भी वीडियो देख लो, आपको वो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, मैंने देखा है, तो दैट्स डजंट मैटर। ठीक है, यही रियलिटी है और यही सब कुछ है, अपन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो भाई हमने यही फील किया, यही आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस में जाइए, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए मेरे चैनल को, और वहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है या कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वॉच कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।